मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान या फिर मामा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश की महिलाओं बहनों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का नाम रखा मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना, जिसके तहत प्रदेश सरकार प्रदेश की महिलाओं बहनों के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर करेगी। इस योजना के बारे में जानकारी एमपी तक लगातार आप तक दे चुका है, लेकिन आखिर इस योजना का लाभ आप कैसे ले पाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। तो मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना के तहत अगर आप लाभान्वित होते हैं या होने वाले हैं या इस योजना के लिए पात्र हैं, तो कैसे इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो के साथ आप बने रहे। आपको बता दें कि 5 मार्च के दिन से इस योजना के लिए अप्लाई करना महिलाएं शुरू कर सकती हैं। लाडली बहना योजना को अंतिम रूप सरकार दे चुकी है। लगभग योजना के ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि लाभार्थी बहनों के खाते में हर महीने की 10 तारीख को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस योजना में अपने सुझाव दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के फॉर्म 5 मार्च से भरे जाएंगे। गांव में पंचायत सचिव सहित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस कार्य में सहयोग करेंगे। सरकार ने सभी 51,455 राजस्व ग्राम में फॉर्म भरवाए जाने के लिए कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार कई स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का की भी मदद ले रही है। वहीं आपको बता दें कि 8 मार्च 2023 से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का होता है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल में इस योजना के लाभ के लिए जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो फॉर्म भर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रतिमा 1,000 रुपये यानी कि हर साल 12,000 रुपये प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। वहीं योजना का लाभ प्रदेश की उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है। वहीं एक परिवार से केवल एक ही महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। 8 मार्च 2023 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से इस योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो 8 मार्च से जो भी महिलाएं प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत आती हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, वो फॉर्म फिल कर सकती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।